हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बनारस में और मैं से मौजूद हूँ पड़ाव चौराहे पर। और दोस्तों, आज आपको अपने वीडियो में दिखाने वाला हूँ यहाँ पर पड़ाव का सबसे फेमस जो पंडाल बनता है उसका पूरा नज़ारा। तो वीडियो बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपको इधर देखा हो तो इधर आप देख सकते हैं आपका राजघाट माली ब्रिज के लिए चला जाएगा और इधर आपको देखा हो तो इधर आप देख सकते हैं इधर आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए चला जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं। सामने आप देख सकते हैं हमारे पंडाल है, तो चलिए आपको ले चलता हूँ, पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। और दोस्तों, आपको पता है इस बार यहाँ पर केदारनाथ का मंदिर बनाया जा रहा है जो कि उत्तराखंड में है। तो आइए ले चलता दोस्तों, आपको पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी भव्य पंडाल इस बार बनाया जा रहा है और काफ़ी जोरों शोरों में देखिए यहाँ पर जो कि पंडाल का कार्य लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए जो कि मंदिर का पूरा ढांचा तैयार कर दिया गया है, अब जो कि इस पर बस कपड़ा लगाना बाकी है। तो ये दोस्तों, चलते हैं अंदर और अंदर से आपको पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी विशाल इस पर जो कि पंडाल बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं मंदिर का पूरा जो कि आकृति बना दिया गया है। अब इस पर जो कि खाली अब कपड़ा लगाना है और कपड़ा लगाते हैं यहाँ पर देखिए और भी जो कि मंदिर की खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पर देखिए नक्काशीदार पूरा जो कि लकड़ी द्वारा देखिए पूरा ढांचा बनाया जा रहा है। तो आइए अंदर चलते हैं, आपको अंदर से भी पूरा नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं इसी जगह जो कि आपका माँ की प्रतिमा बैठेगी इस बार। सामने देखिए मंच भी बनाया गया है माँ दुर्गा के लिए। और देखिए अंदर भी देखिए काफ़ी खूबसूरती से जो कि पंडाल को बनाया जा रहा है, काफ़ी डिजाइनदार बनाया जा रहा है इस बार पंडाल को, आप देख सकते हैं। देखिए अभी भी जो कि कार्य लगा हुआ है, सामने देखिए वर्कर्स लगे हुए हैं पंडाल की तैयारी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपको इधर से पूरा नज़ारा दिखाओ तो आप देख सकते हैं देखिए पंडाल को पूरी तरीके से जो कि वाटरप्रूफ बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर पूरा तिरपाल लगाया गया है। और काफी भव्य और दिव्य इस बार जो कि पंडाल बनाया जा रहा है। दोस्तों, आपको इधर से दिखाओ तो आप इधर से देख सकते हैं, इधर भी देखिए तैयारी जो कि बड़ी जोरों शोरों में किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए मंदिर का जो कि आकृति तैयार की जा रही है। और दोस्तों, आपको यहाँ बता दिखा दूँ तो यहाँ पर आपका एक जो कि मंच बनाया जा रहा है और यहाँ पर नवरात्र में जो कि पूरा जागरण कराया जाता है, जागरण होता है यहाँ पर और काफ़ी भीड़ होता है यहाँ पर। ये स्पेस देख रही है पूरा आपका जो कि भरा रहता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी पानी भी लगा हुआ है और कल रात में जो कि भयानक बारिश हुआ है जिसके कारण देखिए यहाँ पर आपका जो कि पानी लग चुका है और इसे भी देखिए जल्द से जल्द साफ कर दिया जाएगा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने जो मंच बनाया गया है इसी मंच पर आपका जो कि माँ दुर्गा की प्रतिमा बैठेगी। और देखिए अंदर भी देखिए काफी भव्य तैयारियां चल रही है, आप देख सकते हैं पूरा देखिए लकड़ियों द्वारा देखिए पूरा जो कि नक्काशी बनाया गया है। और दोस्तों, आप इधर से भी देख सकते हैं, मैं इसमें आपको अंदर का पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये सामने आपका जो कि एंट्री गेट है और ये आपका एग्जिट गेट है। तो ये चलते हैं बाहर, आपको बाहर से भी नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं एकदम हूबहू केदारनाथ का मंदिर बनाया गया है एकदम, देखिए पूरी जो कि लकड़ी की ढांचा की तैयारी कर दी गई है, अब इस पर जो कि अब खाली कपड़ा लगाना बाकी है, आप देख सकते हैं।
दोस्तों आप यहाँ पे जो पानी देख रहे हैं, जो गंदगी देख रहे हैं, ये जो कि आपका कल बारिश हुआ है उसके वजह से यहाँ पे देखिए जो कि पानी इकट्ठा हो चुका है। लेकिन आपको दोस्तों बता दूं कि ये इससे भी जल्द से जल्द साफ कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद जो कि माँ दुर्गा की जो कि प्रतिमा के दर्शन शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए काफ़ी संख्या में जो कि भीड़ होता है और काफ़ी फेमस ये पंडाल है, इसीलिए इससे जल्द से जल्द जो कि पूरा साफ करके एकदम क्लीन कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। हर हर महादेव।